हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। तो मैं हूं आपका हिंदी मेंटर अविल विश्वकर्मा और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। गाइस, जेटेट का काफ़ी दिनों से अवेटेड था कि भाई सिलेबस आ जाए जल्दी से, जितनी जल्दी सिलेबस आ जाए उतना अच्छा है, और तब उसी अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करें, उसी अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करें। तो चूंकि पेपर पिछला बहुत पहले हुआ था तो एक समस्या हो रही थी कि भाई नया सिलेबस कुछ बदल तो नहीं जाएगा, कुछ चेंज तो नहीं करेंगे। तो फिलहाल आज उन्होंने सिलेबस दे दिया है आपके सामने। ये सिलेबस है पीआरटी और जो अपर प्राइमरी एंड लेवल टू और लेवल वन दोनों का सिलेबस आपके सामने इन्होंने दे दिया है। सिलेबस का जो इन्होंने पूरा का पूरा जो टॉपिक डिस्क्रिप्शन दिया है टॉपिक वाइज, वो बहुत ही अलग तरह से है थोड़ा सा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें कुछ खास जो आपको समझना पड़ेगा, क्या चीजें हैं जिनको आपको समझना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि पहले शुरू में इन्होंने लैंग्वेज वन दिया है, जिसके बारे में बात करते हैं। हिंदी के बारे में पहले ही हम देख लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो लैंग्वेज वन यहाँ पर इन्होंने दिया है पहला। इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें इंक्लूड करी हैं, जरा देखना। रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम इन्होंने क्या इंक्लूड कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको दिखाई देगा अगर हो पाए तो। हो तो जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ, इन्होंने लिखा रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, ये इन्होंने इंक्लूड किया। रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम के बारे में बात करें, उनका लैंग्वेज वन में आपको हिंदी पढ़ना है और यही पढ़ना है। इसमें क्या क्या आएगा, लेखन माध्यम यानी निबंध होगा, ध्यान रखना, कार्यालयी पत्र होंगे, रिपोर्ट होंगे, समाचार होंगे, संपादकीय होगा, जनसंचार माध्यम के विविध रूप जितने भी होते हैं इस तरह के लेखन से संबंधित, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। अपठित गद्यांश बोध एवं काव्यांश बोध पर आधारित बोध, देखो ध्यान से कितना बढ़िया पेपर बना है, कितना बढ़िया है, बढ़िया का मतलब समझ रहे ना, हैवी वाला, हेल्दी वाला। तो अपठित गद्यांश भी होगा एवं काव्यांश बोध, यानी कि एक गद्यांश होगा एक पद्यांश होगा, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रयोग। रचनातरण शीर्षक एवं लघु उत्तरीय प्रश्न भी होंगे, ठीक है। फीचर लेखन से जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन, आरोह भाग एक और वृत्तांत भाग एक भाग दो, एक भाग एक भाग दो और वृत्तांत भाग एक भाग दो, यानी इन्होंने सिलेबस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। जो सिलेबस में एकेडमिक सिलेबस में जो बुक लगती है उस बुक को भी इंक्लूड कर दिया कि उसका टॉपिक भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो आरोह भाग एक भाग दो दोनों को इंक्लूड किया है और वृत्तांत भाग एक भाग दो दोनों को इंक्लूड कर दिया है। फिर व्याकरण के बताया कि व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय, कारक, मतलब लगभग लगभग बेसिक बेसिक सारा चीजें, छंद अलंकार को छोड़ दिया जाए, रस छंद अलंकार को छोड़ दिया जाए, तो लगभग इन्होंने सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। तो ये तो आपका है लैंग्वेज वन का जो हिंदी इन्होंने दिया है, इसमें ये जो पार्ट है व्याकरण को छोड़ के बाकी जो इन्होंने पार्ट रखा है वो बहुत ही धांसू है, यानी कि बढ़िया वाला है। इस पर अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर ये फिसल चला जाएगा हाथ से बाहर, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये काफी बढ़िया इन्होंने पेपर बनाया है, एक लेवल का दिया है काफी जी। अब उसके बाद फिर इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने दे दिया है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन 150 वर्ड्स, टेंस है, वॉइस है, नरेशन, ये तो इंग्लिश वाले सर आपको बता देंगे। फिलहाल मैथ है और यहाँ पे फिर बाकी चीजें भी इंक्लूड कर दिया है इन्होंने। ये बाल व्यवहार एवं अंतरण यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी की बात की है, तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी है। लास्ट में इन्होंने आप देखो लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जहाँ सब्जेक्टिव लैंग्वेज चूज करने की बात करी वहां भी इन्होंने हिंदी दिया है। तो अगर आप में से कोई सब्जेक्ट के रूप में हिंदी चुनना चाहता है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ हिंदी चुनने में, इतनी सारी भाषाएं हैं इनमें से कोई भी चुन सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडरी, मुंडा हो, खड़िया, उड़राव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचवर्गीय, परगनिया, उड़िया, संस्कृत, इनमें से कोई भी एक हिंदी एक सब्जेक्ट जो है आप चुन सकते हो अपने सब्जेक्ट के रूप में। अगर आप चुनेंगे तो ये वाला हिंदी अगर आप चुनते हो तो यहां भी हिंदी के वो वाले नहीं बल्कि उससे बेहतर और कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, यानी यहां पर फिर रचनाएं और बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह लेवल टू की बात करें, अगर लेवल टू आप दे रहे हो तो लेवल टू में भी इन्होंने लैंग्वेज शुरू करी है, और लैंग्वेज लेवल टू का जो लैंग्वेज है वो काफी बढ़िया दिया है, मतलब तो पूरा का पूरा लिटरेचर हिंदी साहित्य को भी यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस है, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे आप तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, यहाँ चारों कालों को विधिवत पढ़ना है, सिर्फ ऐसे देखना नहीं है बल्कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा छायावाद, आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक, मतलब यहां तक आपको पढ़ना है आधुनिक काल में, ठीक है। बेसिकली ये चार उन्होंने मेंशन कर दिए हैं, मतलब आधुनिक काल में आपको भारतेंदु, द्विवेदी और छाया वहां नहीं पढ़ना है, उसके बाद छायावाद शुरू करना है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता पढ़ना है। हिंदी गद्य की नई विधाएं,
जो भी नई विधाएं हैं, चाहे यात्रा वृत्तांत हो, रिपोर्टाज हो, संस्मरण हो, डायरी हो, रेखाचित्र हो, इसके बारे में, भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, देखो यहाँ पे पूरी चीजें हैं। यहाँ पे काव्य की परिभाषा भी है, गुण दोष भी है, शब्द शक्तियां हैं, अलंकार है, रस है, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, ये सब है। भाषा विज्ञान में भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ, परिवर्तन, कारण, दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। ये डिटेल्ड स्टडी दिया है, यहाँ पर बेसिक नहीं चलेगा। अगर आपकी बात करें, हम पेपर टू का आप दे रहे हो, तो यहाँ पर बेसिक नहीं चलेगा, यहाँ डिटेल स्टडी चलेगा, प्रॉपर तरीके से जो चीजें हैं, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने उठा के, क्योंकि जेटेट जो है, जेटेट देने के बाद जब आप जेएसएससी का जेबीटी दोगे, जेएसएससी का जो एग्जाम होता है वो दोगे, तो वो सिलेबस उन्होंने उठा के रख दिया, क्योंकि वहां भी आपको ऐसे ही सिलेबस देखने को मिलता है। और मैं पहले से ही बोल रहा था कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो खासकर जेएसएससी की होनी चाहिए, जेजेपीएससी की होनी चाहिए, क्योंकि जेजेपीएससी के एग्जाम आपको देने हैं। ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जेटेट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगला जो आपको जिसमें जॉब मिलने वाली है, जो जेएसएससी करवाएगा, उसका सिलेबस सेम ऐसा ही है, जिन्होंने उससे प्रेरित होकर ये सिलेबस बनाया है। तो पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस आपके सामने है, अब आपको बिल्कुल भी दुविधा नहीं है। जो लोग भी पेपर टू देना चाहते हैं, वहां हिंदी पढ़ना है, क्योंकि देखो यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, पेपर टू वाले जो भी लोग हैं कोशिश करेंगे उन लोगों के लिए जो हिंदी लैंग्वेज चुनना चाहते हैं। यहाँ पे नीचे जब लैंग्वेज में आप जाओगे, तो जहां पर आपको लैंग्वेज चुनना है, एक सब्जेक्ट देखो यहाँ पे लैंग्वेज भी दिया गया है, आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ये हो गया लैंग्वेज के रूप में, ये हिंदी लैंग्वेज वन हिंदी, ये तो आपका है। इसके अलावा भी और चीजें हैं, और दिखाते हैं आपको हम, चलो जाओ पेज टू पे, ये देखो अनुवाद सिद्धांत, यहाँ पे क्या है, अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग है, यहाँ पे पत्रकारिता की बात की है, पत्रकार सिद्धांत, प्रयोग, प्रयोजन मूलक हिंदी है, व्याकरण भी है, व्याकरण में ये सारी चीजें, वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन, इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है, कुरुक्षेत्र, तीसरा सर्ग, गोदान, आधे अधूरे, मैलांचल, चंद्रगुप्त, कूस की रात, यानी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज। यहाँ पे वन जो हिंदी है, लैंग्वेज वन इंग्लिश की बात कर रहा है यहाँ पे। और नीचे आपको ले चलते हैं हम इसके बाद साइंस है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल, पूरा चैप्टर वाइज पूरा सब कुछ दिया है, क्या क्या कैसे है, फिर बायोलॉजी यहाँ पर दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में, फिर सोशल स्टडीज में हिस्ट्री है, एंड देन फिर ये झारखंड का इतिहास, आधुनिक इतिहास, ये सब कुछ, ज्योग्राफी है, पोलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी चीज़ें होंगी। देन फिर आपको नीचे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में क्या क्या है, यहाँ पर देखोगे सामान्य अध्ययन भी है, ये वाला पोर्शन, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट वाला पोर्शन, यहाँ भी हिंदी है। तो जो लोग यहाँ पे हिंदी चूज करने वाले हैं, उनके लिए तो ये बढ़िया है कि इस लेवल की हिंदी उन्हें पढ़नी पड़ेगी जो इन्होंने ऊपर दे रखी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो ये अलग सब्जेक्ट है उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि जिस लेवल का हिंदी इन्होंने यहाँ पे दिया है, जिस रेगुलर सबको पढ़ना है, जो ये वाला पार्ट है जो सबको पढ़ना है, उनके लिए बाद में जाके अगर उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में कुछ और चुन लिया, तो फिर उनके लिए डबल बहुत मेहनत हो जाएगी। जिनको हिंदी चुनना है उनके तो आसान है, क्योंकि यही सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आपके हिंदी सब्जेक्ट में भी यही सब कुछ पढ़ना है। तो अब आपको ये चुनने वाला काम बहुत ही दिमाग लगा के करना पड़ेगा, जिससे आप कम मेहनत में ज्यादा बेहतर कर पाए। क्योंकि ये जो पेपर टू का अगर आपको देना है, तो पेपर टू का जो सिलेबस दिया है उन्होंने, बहुत तगड़ा सिलेबस दिया है, पूरा लिटरेचर का सिलेबस दिया है, मतलब जो टीजीटी पीजीटी लेवल का जो सिलेबस होता है आपका, वो पूरा सिलेबस यहाँ इन्होंने दे दिया, और सबके लिए, भाई लैंग्वेज वन ये तो कॉमन है ना, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, तो ये आपको सबको देना ही होगा। बाकी लैंग्वेज टू में भी, लैंग्वेज वन में भी, आपको पेपर वन में भी लैंग्वेज वन काफी अच्छी दी इन्होंने, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस हिसाब से पढ़ाई करनी है, और इस हिसाब से हम लोग क्लासेस को भी अपना डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, अभी के लिए धन्यवाद आपका। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि इस जो आप क्लास देख रहे हो, तो क्लास में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को जरूर भर दें। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार जेटेट का, तो ये लिंक जो है आप जरूर भर देंगे। और हाँ, पेड बैच स्टार्ट हो चुका है, जिनको भी परचेज करना है वो नीचे आपको नंबर दिख रहा है 7304460299, इस पर जरूर कॉल कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और परचेज भी करवा दिया जाएगा आपको, तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जो भी बैच परचेज करना चाहते हैं, पेड बैच अभी शुरू हो चुका है, एक दो क्लासेस हुई हैं, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लो, जिससे कि ये सारा सिलेबस आपको बढ़िया से पढ़ा दिया जाए। क्योंकि बिना अच्छे से पढ़े, अच्छे से गाइडेंस लिए हुए, डेफिनेटली यार जिस तरह का सिलेबस दिया है इतना आसान नहीं है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।